एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अपना डेली रूटीन, और कल के मैंने जो कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं ज्वेलरी कलेक्शन को, तो मैं वो शूट करूँगी एक दो दिन में और आप लोगों के साथ अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी सारा जितना भी है मेरे पास। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। आप लोगों के एक एक कॉमेंट, पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और जो नेगेटिव, मैंने स्पेशली बोल दिया था कि मेरे वीडियो अगर आपको पसंद नहीं है तो देखिए मत, लेकिन मेरे चैनल पर गंदगी मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल एक अंकुर यादव मुझे इतनी गंदी गाली देकर गए हैं, शायद वो अपनी बहन और माँ के साथ भी इसी तरह से बोला करते होंगे, इतनी गंदी गाली देकर गए हैं। तो मैं उनसे बोलूँगी तुम अपनी मम्मी और अपनी बहन से भी इसी तरह से बोला करते थे। और एक है यानी एक और नाम था गोल्डी करके कुछ नाम था, तो उनको ज़्यादा पता है कि मेरे ससुराल वालों ने क्या कराया, क्योंकि वो साथ में थे ना, साथ में करवा रहे थे। तो मैं उनसे बोलूँगी अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल मत देखिए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और मुझे सिर्फ उतने लोगों की ज़रूरत है जो कि मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो 10 हों चाहे वो 15 हों, मुझे उतने की ही ज़रूरत है। लेकिन तुमने जो मेरे पे कल गंदगी मचाई है ना, तो शर्म करो तुम। एक औरत हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबके अंदर इंसानियत होती है। तो मैं उनसे बोलूँगी प्लीज़ शर्म करो, मैं अगर वीडियो पसंद आए तो देखो, नहीं आए तो बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे दूसरे चैनल देख सकते हो। और उम्मीद करती हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, आज नहीं आई हो तो जा सकते हो। हैंड वॉश करके ही दियो को टच करें, और क्योंकि ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा, जाना ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही गली में पार्लर है तो वहाँ जाना है मुझको। वो जो भी पकड़ाता था शॉपकीपर, वो इंसान वो ही ले आता है, तो मैं मांगती हूँ तो मुझे ना पूरी पूरी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती। यही चक्कर है कि मुझे ऑनलाइन से शॉपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें महंगी मिलती हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती जो मैं चाहती हूँ और जो मुझे ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलती। यही कारण की वजह से मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है, तो जो चीज़ मुझे 100 रुपये की वो मुझे 200 में लेनी पड़ती है, नहीं तो मेरी वो चीज़ डबल चीज़ ज़्यादा चीज़ें आ जाए ऑनलाइन से, अगर नहीं लूँ तो ज़्यादा चीज़ें भी आएँ और अच्छी चीज़ें भी आएँ लोकल मार्केट से अच्छी चीज़ें, और साथ ही साथ हम देख कर भी ले लेते हैं, देख भी लेते हैं कि ये चीज़ ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है जैसी भी है, तो वो चीज़ हम देख भी लेते हैं। और ऑनलाइन कभी कभी पता है मैंने कुछ मंगाया था ऑनलाइन, वो उस पर ओरिजिनल दिखा रहा था, बट आया मेरे पास आर्टिफिशियल, मतलब फेक आया था, मतलब ओरिजिनल नहीं तो डुप्लीकेट था उस जैसा, क्योंकि यूज़ करा तो पता चल जाता है कि ये चीज़ बेकार है ये चीज़ अच्छी है, तो पता चल गया। लेकिन उसके पास रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं होती है इन चीज़ों की, कॉस्मेटिक की चीज़ों की तो मोस्टली नहीं मिलती है, तो इसीलिए फिर मैं आप लोगों से बोलूँगी अगर आप लोगों के यहाँ और ऑफलाइन चीज़ें मिल रही हैं तो ऑफलाइन भी लें, अगर ऑफलाइन नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन का यूज़ करें, और साथ ही साथ जो यूट्यूबर लिंक देते हैं उन्हीं से जाकर लें, क्योंकि जो यूट्यूबर लिंक देते हैं ना वो लिंक ओरिजिनल दिए जाते हैं, और जो खुद से हम लोग सर्च करके लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता ये फेक दे रहा है इंसान या ये आर्टिफिशियल दे रहा है, तो ये चक्कर पड़ जाता है। तो इसलिए जो यूट्यूबर देते हैं वो डायरेक्ट कंपनी वाले देते हैं, जो कि वो जैसे कि उन लोगों के पास स्पॉन्सर आ रही है, ठीक है, तो वो कंपनी ही उनको अपना लिंक प्रोवाइड करती है। कोई भी बहुत सारे ऐप हैं उनके प्रोडक्ट्स हो गए, तो क्या होता है कि वो लोग अपना लिंक खुद देते हैं, ठीक है, और हम लोग जब लाकर लेंगे तो वो फेक है या ओरिजिनल ही, हमें नहीं पता होता, क्योंकि आजकल अमेजोन पर भी फेक चीज़ें बिक रही है, क्योंकि मैंने मंगाई है इसलिए मैंने देखा, और कई सारे मैंने रिव्यू भी देखे थे तो वो लोग भी बोल रहे थे ये फेक है या मुझे फेक मिला है और मुझे ये अच्छा मिला है। तो बस चलिए फिर मैं यहाँ पर कुछ खा पी लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं ना आलू वगैरह छील रही हूँ, और मैं मॉर्निंग में रेडी हुई थी। दीयू ना बालों से बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब उसके जो बाल है ना वो उसके आँखों में लगते हैं, चुभते हैं, और आप लोगों को पता ही है कि वो चोटी नहीं कराती है। तो मेरे गली में एक पार्लर है,
मतलब घर पर ही है, मतलब कोई पार्लर नहीं है, घर पर ही ऐसे होते हैं ना बहुत से, घर पर ही बना लेते हैं, तो वही है। तो मैंने सोचा उनसे बात करी, मैंने कहा दीदी अगर आपका पार्लर खुल रहा हो तो सिर्फ मुझे दीयू के बाल कटवाने और कुछ भी नहीं करवाना, और आप 10-5 मिनट में कर दोगी। तो उस मॉर्निंग में मैंने उनसे बात करी थी, तब तो वो खुला नहीं था, तो उनकी कॉल अभी आई है कि हाँ भाभी मेरा पार्लर 2 खुला, 10 मिनट के लिए मैं आपके लिए सिर्फ आपका काम कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप चलो। तो दीयू यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया, दीयू को वैसे भी रेडी थी, वो नहाई हुई थी ऐसे कि आपने कल के व्लॉग में देख लिया था, और ये कल का ही व्लॉग है जो आगे मैंने कंटिन्यू करा है, तो यहाँ पर वो रेडी हो गई। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मास्क लगा लो, मास्क। मैं भी दीयू को थोड़े से बाल शेड कराने जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाल उसके आंखों पे आते हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये उसके आंखों पे आते हैं, तो इसलिए उसके ट्यूशन वाली मैम और उसके प्रॉब्लम होती है आंखों में। तो मैंने यहाँ पर लगाई है SQNYV की क्रियोन लिपस्टिक, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम फाइन आई है, देखिए एकदम फाइन लाइंस एक भी नहीं दिखेगी आपको, एक एक बार में लग जाती है, आपको डबल डबल बार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और एक बार में लग जाती है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। यहाँ पर मैंने लाइनर लगाया है, जो मॉर्निंग में लगाया था वही है ये लाइनर, और काजल लगाया है मैंने, और बस यही लगाया है। और अभी दीयू देखिए मास्क लगाएगी, और बस अब हम लोग चलेंगे, मैं हैंकी ले लूँ और देन उसके बाद चलते हैं। मैं भी मास्क लगा लेती हूँ और दुपट्टा ले लेती हूँ, फिर चलती हूँ। और कुछ बोलना था? हाँ, अभी पता है मैं क्राइम पेट्रोल देख रही थी, जिसमें पता है क्या था, एक बच्चे छोटे से बच्चे का मर्डर कर दिया, बहुत छोटा सा बच्चा था 8 साल का, और किसने करा था वो भी जान पहचान वालों ने। मुझे तो दीयू का बहुत डर लगता है, दीयू हमारी बहुत सीधी है और सब किसी की बातों में आ जाती है, तो दीयू मम्मी से बिना पूछे किसी के साथ नहीं जाना, ठीक है? और वो भी जान पहचान, तो पता क्या कहते बातों में भी आती, छोटी है ना मेरी दीयू अभी, इसीलिए। पर किसी की मम्मी के बिना पूछ के नहीं जाओगी ना, और अभी बिना पूछे नहीं जाती, पूछ के जाती है, मम्मी से कहीं भी जाएगी पूछ के जाती है, है ना? मम्मी से कहती हूँ मम्मी आपके लिए बूम बूम लाओ। तो अभी पता अपन लोग जान पहचान वाले ये सब करते हैं, तो कितना दुख होता है, मतलब किस पर भरोसा करें यार, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आज की टाइम में। अपने खुद के जान पहचान वाले जिन पर हम दिन रात रहते हैं, जिनके साथ हम अपने बच्चों को, अपना बच्चों को सौंप देते हैं, जो खुद खुद के चाचा ताऊ दादी बाबा। और बोला वो दादी ऐसा कर रही थी, छोटी सी, एक और मैंने से पहले देखा था, एक दादी थी छोटी सी लड़की, उसकी मम्मी का मर्डर कर दिया, उसकी दादी को उसके पास छोड़ दिया, दादी को, दादी के पास उस लड़की को छोड़ दिया, तो दादी ने उस छोटी सी 7-8 साल की लड़की को मरने के लिए रोड के पास सामने छोड़ दिया, और खुद सामने क्रॉस करके चली गई, फिर उसे बुला रही ट्रैफिक में, आ जा। एक बार ऐसे वो बच गई, दूसरी बार वो, दूसरी बार कैसे बची थी, दूसरी बार कैसे, हाँ ऐसे एक बार तो ऐसे बच गई थी, और दूसरी बार हाँ एक्सपायर्ड दवा खिला रही थी उसको, तो एक्सपायर्ड दवा खिला रही थी यार, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है एक बार। एक्सपायर्ड दवा खिला रही थी और बोल रही थी हमें नहीं पता कि कौन सी दवाई है, तो बस ऐसे ही किया गया था उसके साथ भी, ऐसे एक बार दिया के साथ भी किया गया था। एक तो करते हैं फिर अनजान और बनते हैं, ये बोलते हैं हमें पता नहीं था, हम पढ़े लिखे नहीं है, ये चीज़ और कर लेंगे, कि हमें नहीं पता था एक्सपायर्ड है या नहीं है, जब तुम्हें जानकारी नहीं है तो क्या ज़रूरत है तुम्हें देने की बच्चों को। और ये दीयू के साथ भी एक बार हो चुका है, तब मैं छोटी थी, तब मैं छत पर गए थे तो वो बच गई, अभी वो पापा नहीं आते तो वो दवा तुम पिला देते, फिर क्या होता, तुम्हारा कुछ नहीं आता, वो लड़की चली जाती, उस बाप की बेटी चली जाती, तुम तो फिर भी यही कहती मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने ये दवा खिला दी, तुम्हारा तो कुछ नहीं आता, बस यही होने वाला था। तो मैं यही बोलूँगी कि यार अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो किसी से पूछ लो, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी से मत खेलो। और ख़ासकर ये वो दादी बाबा करते हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं करते या चाहते हैं कि लड़का हो, तो वो ये उनने भी उन्होंने भी उस लड़की के साथ ऐसे ही करा, एक्सपायर दवा खिला रही, एक बार ट्रैफिक से मरवाने की सोची, लेकिन कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो वो बच गई लड़की। आप लोग देखिए तब मैंने गरम जितनी मैं ना दो दो दो
उतने ज्यादा गर्म पानी था तो मैंने आधा वाला फिर मेरा जल गया। हाँ अब फिर खून नहीं निकला था खून नहीं निकला तो जल जाते। चलिए फिर हम पार्लर से आके आप लोगों से। सो गाइस यहाँ पर मैं देखिए वहाँ पर आ गई दीदी के यहाँ, और यहाँ पर दीदी बाल काट रही हैं। और मैंने दीदी से एक बात पूछी, दीदी क्या आपके एक कस्टमर आए थे दिन में एक का? तो दीदी कह रही थी एक भी कस्टमर नहीं आया है, यहाँ तक कोई थ्रेडिंग कराने भी नहीं आया है, जबकि इनका तो घर पर ही है फिर भी ऐसा नहीं आया है। तो मतलब बहुत दुख होता है ना जब, मतलब यूँ कह रही थी दीदी कि मतलब सब्जी के लिए भी पैसे नहीं है, मतलब सब्जी के पैसे भी नहीं निकल रहे हैं मतलब। और आपको पता ही है जब हम किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो उसमें हमें पैसा लगाना भी पड़ता है। काफ़ी लोग किसी से लेकर पैसा लगाते हैं और काफ़ी अपना पैसा लगाते हैं, जिस पर नहीं है तो वो लेकर लगाता है, तो फिर कर्ज पर कर्ज बढ़ रहा है। तो और मोदी ने निकाल दिया है कि मकान वाले पैसे नहीं मांगे, घर वाले पैसे नहीं मांगे, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता, सबको अपनी पड़ी है। जहाँ तक कि मेरे मकान मालिक ने भी 3-4 दिन बाद ही पैसे मांगना शुरू कर दिए थे। तो आप लोग सोचिए कोई किसी की नहीं सुनता है ना हेल्प करता है, चाहे हो या नहीं हो उनको अपने आप से मतलब होता है। और यहाँ पर पता है मैंने दीयू के ना बाल कटवा रही थी तो दीयू बड़ा खुश हो रही थी कि अब उसको चोटी नहीं करानी पड़ेगी। और यहाँ पर पता है मैंने क्या करा था एक्चुअली में, जो दीयू के जो बाल थे मैंने ना सर वॉश करा था, देन उसके बाद मुझे हैबिट है कि मैं ना तेल डाल देती हूँ मतलब ऑयलिंग कर देती हूँ, तो मैंने ऑयलिंग कर दी थी। बट मैंने कहा दीदी तुम काट दो यार, फिर पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा कब क्या होगा कुछ नहीं पता। और ये वीडियो 3-4 दिन पहले की, 3-4 दिन से ज़्यादा पहले की होगी, तो मैंने जस्ट बगल में था, मैंने कहा चलो करा लेती हूँ। और कटिंग क्योंकि दीयू के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ही, आप लोगों को पता है मैं काफ़ी सोच रही थी लेकिन तब नहीं करा पाई। तो दीदी का फ़ोन नहीं आता तो मैं आज भी नहीं कराती, फिर उनका फ़ोन आ गया तो मैंने कहा ठीक है चलो करा ही लेती हूँ जब इंसान इतना बोल रहा है। तो दीदी बता रही थी कि यहाँ पर उन्होंने सैनिटाइज़ किया हुआ है पूरा अपना जो भी पार्लर है, और उसके बाद कैंची वगैरह भी की है, और उन्होंने देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से किया है, और इसके बाद साफ़ कर देंगी। फिर मैं दीव को घर पर जा कर नहलाने वाली भी हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पर जाकर। हाय दादा बैठो चल चल, आप लोग कैसे हो? बैठ के बनाओ दिख नहीं रही सा, 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 अच्छे होंगे शायद, अच्छे अच्छे हैं सब लोग आज, बैठ के बनाओ दिख नहीं आज, रही आज दिख रही हो पूरी, दिख रही हो पूरी दूर से बनाओ तो गुड गर्ल लग रही हो आज, तो क्यों लग रही हो गुड गर्ल? ट्राइपॉड पे लगा दूं छोटे वाले पे? नहीं देखो गाइस ये कहना चाहती थी मैं, जो टीवी में ऐसी माई आती है ऐसी वाल वाली वो अब नहीं सही से आ रही हो बाबू, बैठ जाओ या फूड ट्राईपॉट में ले लो, अब आ रही अब आ रही हो ना पूरी, देखो आपके बाल भी आ रहे हैं, अब गुड़गर भी लग रही है। नहीं आ रहे तो मैं ट्राईपॉट में लगा दूँ, लाओ आप पकड़ लेना ना ट्राईपॉट ऐसे करके पकड़ लेना। नहीं दाई नो नो यस यस अब आ नहीं रही, फिर गाइस कहेंगे हमें दिया दिखी नहीं तो कैसे वीडियो बनाई दिया ना आज। हाँ अब सही है, अब देखो इसका पेट ऊपर रख लो, इसको लिटा लो और इसको अब आ रही है दीयू, अब पूरी आ रही हो ना, फेस भी पूरा आ रहा है आपका, दूर से करो पास से नहीं दूर से, आईज ही आईज आएंगी पास से तो ऐसे देखो आ रही हो क्या आप, ऐसे करो अब आ रही हो तो रहने दो, आप नहीं बनाओ आज आपका बन नहीं है ना, थोड़ा सा कर लूं ऐसे रख लो यहाँ पे, नहीं अब सही आओगे मम्मी भी आएगी पेट पे। हाँ तो अब बोलो हाय डैड जल जल जल, छोड़ दो नहीं गिरेगा नहीं दैट्स मेरे पेट में जे ट्राइपॉड रखा है इसके पेट पर है डाइस डाइस। हाँ डाइस डाइस क्या बात, डाइस के आगे बोलो। अरे दीयू को तो आता ही नहीं है कुछ भी, सब लोग कहते दीयू अच्छी ब्लॉगिंग करती है, क्या करती है वो ऐसी ऐसी कर रही है यार। भाई मैं कुछ 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 दिखाना चाहती थी। हाँ क्या दिखाना चाहती हो बताओ? मैंने आज बाल कट कही है, ये बाल नहीं दिखाना चाहती तो सॉस
देखो नौटंकी। साथ दिखाना चाहती हूँ दाई पक्का। दिया कह रही मेरे लिए रोटी पिज्जा बनाओ, मुझे आता नहीं है रोटी पिज्जा बनाना है। हाँ दाई दिए देखिए दियू ने, दियू डांस कैसे करती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डांस करती है, बट दियू सीखना चाह रही है बट सीख नहीं पा रही है ना। सीख मैं तो पहले से ही सीखी हूँ। वो डांस वाले भैया पैसे ज्यादा ले रहे हैं ना, और डांस वाले भैया देखो इतने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ सात। देखो एक तो पैसे ले रहे हैं, तो इसके लिए दिया भी सीख नहीं रही है डांस है ना। मैं टीवी में ऐसी डांस करूंगी। और फिर कम से कम है ना 6 से 7 महीने सीखना पड़ेगा दिया को, 1 साल तो सीखना ही पड़ेगा है ना, तब जाकर दिया सीख पाएगी। और दिया टीवी में डांस करने का दिया को बहुत मन है, बट वो बट अभी वो सीख रही नहीं है। सीख गई मैं, सीख गई है दियू अपनी तरफ से, बट बट वो सर नहीं है सिखाने वाले आ रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे डांस करती हूँ ऐसे। हाँ बताओ कैसे करती है, करके दिखाओ। ऐसे फिर घूमो, फिर ऐसे ताली बजाऊंगी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। फिर मैं गोरी गोरी दिख रही हूँ, फिर मैं दिया गोरी दिख रही है, ठीक है। और वीडियो नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सो गाइस यहाँ पर बाल वगैरह कटवाने के बाद मैं घर पर आ गई थी। मुझे यहाँ पर मैंने पोंछा नहीं लगाया था वहाँ पर जाने से पहले, तो मैं पोंछा लगा रही थी यहाँ पर। देन उसके बाद मैं अच्छी तरह से आंगन वगैरह में पोंछा लगा दूँगी। और मैं ज़्यादा वैसे तो सारा काम मैं कर गई थी, बट पोंछा छोड़ गई थी क्योंकि लेट हो रही थी और दीदी मेरी वजह से वेट कर रही थी, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी चीज़ तो खुल नहीं रही। आप लोगों को भी पता है पार्लर वगैरह खुल नहीं रहे, सिर्फ उन्होंने मेरे लिए दियू के लिए ऐसा करा था क्योंकि दियू बहुत परेशान होती थी, उसके आँखों में बाल चुभते थे, मतलब आँखों में बाल घुस जाते थे, तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए परेशानी रहती थी और आँखों के लिए और बालों के लिए, और वो चोटी कराती नहीं थी जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और मेरे पास कल एक किसी ने बोला था कि जैसी माँ वैसी बेटी, तो भाई जैसी माँ है वैसी बेटी होगी क्योंकि वो मेरा खून है। शायद आप अपनी माँ से अपनी फैमिली से अलग होंगे क्योंकि आप उनके नहीं होंगे, तो किसी को गलत बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि अगर आपके साथ ऐसा बोला जाएगा तो कैसा लगेगा। और अभी कुछ लोग उनको सपोर्ट करने भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा मत बोलो। भाई क्यों ना बोले, हमसे कोई इनका कुछ भी बोलेगा हम सुनते थोड़ी ना रहेंगे। माना कि हमने YouTube चैनल खोला है तो सुनने के लिए नहीं खोला है, आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो खोला है। देखिए मेरा एक चीज़ है, मेरे चाहे 10 वेल विशर रहें, चाहे मुझे 10 लोग देखें, लेकिन वो मुझे अप्रिसिएट करें, मुझे प्यार करें और सच में मेरे दिल से मुझे जुड़ें। तो दिल से जुड़ने वाले लोगों का पहले तो मैं नाम लेती हूँ। सबसे पहला नाम है कुसुम बुद्धा, दिनेश गर्ग, निशा अरोरा और रोही सोनी और ओम प्रताप, और भी हैं 3-4 लोग जिनका मैं कल नाम लूँगी। और मेरे साथ जितने भी लोगों ने दिल से मुझे दुआ दी, सो थैंक यू सो मच। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। Please subscribe.